नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के रोहनिया थाना क्षेत्र के बैरवन गांव में पिछले दिनों किसानों को जिला प्रशासन ने जमीन खाली कराने को लेकर काफी मारा पीटा। शिकायत ये भी है कि घरों में घुसकर मारपीट हुई, महिलाओं को मारा पीटा गया। सारे विपक्षी दल इस मामले को लेकर लामबंद हो चुके हैं। सभी का आरोप है कि यह सरकार किसान विरोधी है। विधायक जी, बैरवन गांव का पूरा मामला क्या है और किसानों के साथ जो मारपीट की घटना हुई इसे किस रूप में आप लेते हैं? बैरवन और करना डाड़ी दो गांव सटे हुए हैं, लगभग 20, हमको कन्फर्म समय नहीं दिमाग में आ रहा है, लगभग 20 वर्ष पहले सरकार ने एक योजना बनाई थी, ट्रांसपोर्ट योजना। उस योजना को उन दोनों गांव की जमीन पर लागू करना था। वहां पर उस समय लगभग 52-53% किसानों ने सरकार की जो बात हुई थी उनसे वार्ता करके, वहां के बीडीए के लोगों ने बात करके, प्रशासन ने बात करके लगभग 52% किसानों की जमीन को रजिस्ट्री कराया था और बड़ी संख्या में लगभग शेष जो किसान हैं उनकी जमीन को सरकार रजिस्ट्री उस समय नहीं करा पाई या वो किसान रजिस्ट्री नहीं किए। कालांतर में चलने के बाद सरकार शिथिल हो गई, बीडीए शिथिल हो गया और जमीन को वो लोग खाली नहीं करा पाए, ले नहीं पाए। जमीन पर किसान लगातार किसानी करते चले आ रहे हैं तब से लेकर और आज तक। इधर मेरे विधायक बनने के बाद मैंने किसान जब मेरे पास आए कि वो जमीन हम लोग की वापस होनी चाहिए, सरकार की जो का नियम निकल गया कि 4 गुना देकर किसान का जमीन का जो मूल्य होता है उसके हिसाब से 4 गुना देकर अधिग्रहित की जाएगी जमीन, किसानों को लालच हुआ कि नहीं हमको भी 4 गुना मिलना चाहिए। लेकिन इस पर प्रशासन तैयार नहीं था। बीडीए के पास पैसा कई चक्र में वार्ता हुई, उन लोगों ने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं कि इतना पैसा हम दे सके। हम लोगों ने प्रस्ताव रखा कि तो फिर जमीन आप वापस करिए, अपनी योजना को अगर या तो लेना है तो शुरू करिए अन्यथा उसको रद्द करिए। बैठक हुई बीडीए की, बीच में हमें डेट याद नहीं है, बीडीए ने प्रस्ताव बनाकर भेजा कि इस योजना को यहाँ से रद्द कर दिया जाए क्योंकि बीडीए के पास इतना पैसा नहीं कि किसानों की जितनी योजनाओं को जमीन में योजनाओं को लागू करना था सबकी पैसा सरकार ले बीडीए ले सके और पैसा उतना दे सके। हमें जो जहां तक जानकारी है कि शासन में जाकर ये प्रस्ताव पड़ा रह गया। इसी बीच में ऐसा सुनने में आ रहा है कि संभवतः सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आया है जिसकी वजह से सरकार पुनः जो जमीन सरकार ने रजिस्ट्री कराई है उस जमीन को लेने का प्रयास कर रही है। मैं संयोग से दर्शन पूजन करने के लिए बाहर चला गया था, उसी बीच में बीडीए के लोगों ने और शासन के लोगों ने बैरवन गांव में जाकर कुछ कड़ाई किया है, मारपीट किया है। किसी भी कीमत पर वो उचित नहीं है। किसान खेती करते हैं, किसानों को जमीन से लाभ वो लालच होता है और उनको लग रहा है कि हमारी जमीन में 20 साल से खेती बाड़ी कर रहा हूं तो जो प्रस्ताव सरकार वापस करने के लिए योजना को भेज दिया है उस योजना को वापस कर दिया जाए, जो जमीन हमने पैसा दिया लिया है वो हम वापस करने के लिए तैयार हैं। किसान इस बात पर भी तैयार हैं। इसी बीच में मेरे से ऐसे किसान मिले थे हमारे टूर पर जाने के पहले दर्शन के, जो जमीन का पैसा नहीं लिए थे उनकी जमीन भी सरकार के नाम से हो गई है। हम लोगों ने बीडीए के उपाध्यक्ष के जाकर एक मीटिंग हुई थी, बाकायदे उसमें तय हुआ था कि जितनी जमीन नहीं पैसा लिया गया है किसानों का वो सरकार के नाम आ गई है, वो हम बीडीए वाले उसको छोड़ देंगे। और ये तय हुआ, ये वार्ता हुई, बीच में ही बात हुई कि किसी की जमीन बीच में पड़ी है जहां आप चारों तरफ ले लिए हैं जमीन, आपकी जमीन तमाम ऐसी जगह है जहां पर चारों तरफ से ऐसे किसान है जिन्होंने बेचा नहीं है आपको, उसके लिए क्या होगा। तय ये हुआ था कि ऐसे जितने भी हैं उस गांव की एक तरह से एक बार पुनः चकबंदी कर दी जाएगी और चकबंदी से सभी किसानों का ऐसे किसानों को एक साइड में कर दिया जाएगा जिन्होंने पैसा नहीं लिया है और सरकार की जमीन विकास प्राधिकरण की जमीन एक तरफ कर दी जाएगी। जो किसान पैसा नहीं लिए हैं उनके इकट्ठा होने के बाद जिसको रास्ता नहीं है चकबंदी की तरह सबको रास्ता दिया जाएगा, व्यवस्था कर जाए उन्हीं की जमीन से कटौती करके। लेकिन क्या कारण हुआ कि बीच में इस तरह से प्रशासन ने कड़ाई किया, हमें मेरा अपना जहां तक मानना है कि बिल्कुल सरकार को बात करके किसानों से ऐसा करना चाहिए था। यदि ऐसी हुई है, मारपीट हुई है, सरासर अनुचित है,
और किसानों के साथ मारपीट करना बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको वार्ता करके ही और किसानों से समझौता करके इस जमीन को वापस आपको लेना है। मैं मानता हूं इस बात का कि सरकार ने पैसा दिया है, वो प्रयास करेगी कि वो जमीन हम लें। किसानों से भी मैं निवेदन करूंगा किसी तरह से वहां पर विवाद ना हो, आप लोग आपस में मिल बैठकर जो निर्णय हो उचित निर्णय लीजिए, ताकि सहानुभूति दोनों पक्ष से अगर जब तक दिखाएंगे नहीं, आपस का तालमेल नहीं बनाएंगे, तब से उचित नहीं होगा। मैं बहुत विनम्रता के साथ प्रशासन से कहूंगा कि किसानों के साथ किसी भी तरह की अभद्रता न किया जाए, और किसानों से भी यही कहूंगा कि किसी भी तरह से सरकार से उलझने का प्रयास न करें। इन किसानों को मुकदमा लगा करके जेल भेजा गया है, तमाम आपराधिक धाराएं उन पर लगाई गई है, जो अत्याचार हुआ है, इसके लिए क्या आप सूबे की योगी सरकार से कोई मांग करते हैं या उनसे उनकी मदद के लिए कुछ कहेंगे, और प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? कल ही आया हूं बाहर से, मैं चलकर किसानों से मिलूंगा, प्रयास करूंगा, और प्रशासन से भी ये चाहूंगा कि जो अनलगत धाराएं किसानों के ऊपर लगाई गई हैं उसको समाप्त किया जाए। और मैं निश्चित तौर पर इस संदर्भ में माननीय योगी जी से बात करूंगा कि इस मामले को किसी भी तरीके से हल करें, और समस्या का समाधान ही एक इसका एक उचित समाधान ही इसका एक तरीका है। तो पूर्व विधायक ने बताया कि जो बैरवन गांव के किसानों और प्रशासन के बीच का जो युद्ध था, जो लड़ाई झगड़ा थी, जो मारपीट हुई है, वो गलत हुआ है, और ये सीधे सूबे की योगी सरकार से स्वयं मुख्यमंत्री से मिल करके किसानों की मदद के लिए बात करेंगे, और प्रशासन से भी इन्होंने अपील किया है कि किसानों पर जो भी आपराधिक मुकदमे लगाए गए हैं उसे तत्काल समाप्त किया जाए और मिल बैठकर एक सर्वमान्य हल निकाला जाए। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।